मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द विचार के बारे में। शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, शब्दों के प्रकार, उसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। फिर आता है हमारा दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हमने कितने पढ़े शब्द के प्रकार? चार प्रकार के, कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत या विदेशी शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा, शब्द का भेद कौन सा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मतलब हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से करते हैं, या फिर हम जब कोई भी अपनी बात कहते हैं किसी से तो हम शब्दों का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसमें? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द? दो प्रकार के, कौन कौन से? अविकारी शब्द और विकारी शब्द। अविकारी शब्द पहला हमारा कौन सा है? अविकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित तथा विकृत नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जब हम वाक्य में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो कर्ता मतलब जो भी कार्य कर रहा है उसके अनुसार, लिंग मतलब लड़का या लड़की, वचन एक वचन या बहुवचन, काल भूतकाल में, वर्तमान काल में या फिर भविष्य काल में आदि के प्रभाव से, मतलब इन किस किस के प्रभाव से, कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, विकृत नहीं होते, मतलब परिवर्तन नहीं आता, वो जैसे हैं, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? तेज, धीरे धीरे, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे आदि। ठीक है, जैसे हम बोलें जो जवान है वह तेज़ दौड़ता है, तो हम यहाँ कहते हैं कि लड़की तेज़ दौड़ती है, तो तेज़ शब्द बदल रहा है? नहीं ना, लड़का तेज़ दौड़ रहा है, लड़का बदल गया, लड़की बदल गया, उसके कर्ता बदल गया, उसकी क्रिया बदल गई, लेकिन क्या हुआ, मगर वो तेज़ जो शब्द है वो नहीं बदला। तो ऐसे शब्द कौन कैसे कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है विकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर रूप परिवर्तन से विकृत हो जाते हैं। अब अविकारी शब्द में तो था कि कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन विकारी शब्द में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखें कैसे, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, कुत्ते, कुत्ते, कुत्तों, कुत्ती, कुत्ता, ठीक है, काला, काले, कालो, काली, तो ये बदले हुए रूप हैं इनके, मतलब कि इनके पीछे है ना मात्राएं बदल जाती हैं, बहुवचन के अनुसार, एक वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, कर्ता के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार। जैसे लड़का बाजार जाता है, अब हम इसमें लिंग परिवर्तन कर दे तो क्या हो जाएगा, लड़की बाजार जाती है। कुत्ता भौंकता है, मतलब एक भौंक रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, तो मतलब बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन का उदाहरण हो गया। तो ये हमारे कौन से हो गए थे प्रयोग के आधार पर, कौन से दो भेद हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। अब आता है अर्थ के आधार पर, चौथा हमारा कौन सा भेद है शब्द का, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, मतलब कोई शब्द उसका अर्थ क्या है, ठीक है, मीनिंग। तो इसमें इसके दो प्रकार है, कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहला है हमारा सार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, मतलब जो भी हमारे हम जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, बोलते हैं और किसी को सुनाते हैं तो उनका निश्चित अर्थ होता है, बिना अर्थ के वो नहीं होते। तो ऐसे शब्दों को जिनका अर्थ निश्चित हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, ठंडा आदि। तो ये हमारे कैसे शब्द हैं, सार्थक शब्द, क्योंकि इनसे एक शब्द मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। दूसरा हमारा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, इनका अर्थ जो होता है वो निश्चित नहीं होता है,
ठीक है। और ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र रूप से लिखे नहीं जाते, अलग रूप से नहीं लिखे जाते, ये सार्थक शब्दों के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे पानी, वाणी, पानी तो सार्थक शब्द है, वाणी तो नहीं है ना, उसका अर्थ निश्चित नहीं है। चाय शाय, रोटी छोटी, तो ये जो पीछे आ रहे हैं शब्द वाणी, चाय, वो शायर और छोटी, तो ये कैसे शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं। यहाँ वाणी, शायर, रोटी निरर्थक शब्द हैं। तो हमने क्या पढ़ा, शब्द के, शब्द विचार के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े, प्रकार के भी प्रकार पढ़े। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप आएंगे एक्सरसाइज पर, खंड का पहला हमारा क्या है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर चार रिक्त स्थान है पढ़ेंगे हम। पगड़ी शब्द है, पगड़ी कैसा शब्द है, पगड़ी लिखेंगे इसमें देशज शब्द है, ठीक है। अग्नि, अग्नि कैसा शब्द है, अग्नि है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा हमारा है खटपट और थैला, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। फिर हमारा होता है चौथा औलाद, औलाद जो है अरबी शब्द है, कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। अब आते हैं हमारे सही विकल्प पर, सही का निशान लगाना है, ठीक है, टिक द राइट। तो पहला हमारा है वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द। तो टिक द सेकेंड ऑप्शन, शब्द। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, चार, कौन सा है, तीसरा वाला, तो तीसरे थर्ड वाले को हम टिक कर देंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। तीसरा है मेज, दबात, हाथी है, कौन से शब्द हैं, ये हैं रूढ़ शब्द। तीसरा कौन से, तीसरा शब्द है ये रूढ़ शब्द। तो आपको बच्चों ये जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द राइट, आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है।